वैसे स्वादलेस, पर ये जो सूक्ष्म शरीर है इसको अधिकृत करके ये जो आत्मा के सदा साथ रहता है इसके प्रॉपर्टी के ऊपर चिंतन करने वाले व्यक्ति को कहते हैं ये आध्यात्मिक आदमी, और इसको इग्नोर करके इसको पीछे छोड़ करके फिर ये सांसारिक संपत्ति को इकट्ठी करने वाले को कहते हैं कि ये सांसारिक आदमी है। बस भूतों से संबंधित जो संपत्ति है वो भौतिक, और आध्यात्मिक का अर्थ है आत्मानम अधिकृत्य, अवर सोल इज द सेंटर पॉइंट टू गो अराउंड, चारों तरफ गति करने के लिए कौन है केंद्र, हमारी आत्मा। अर्थात आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीर का श्रृंगार भले रह जाए उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, आत्मा का श्रृंगार करना है। आत्मा का श्रृंगार क्या है, हर रोज जब हम सुबह प्रातः काल उठ करके परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं तो हमारी आत्मा अलंकृत होती है। मेडिटेशन इज अ ऑर्नामेंट फॉर आवर सोल, ऑर्नामेंट है, अलंकृत होती है आत्मा, हमारी आत्मा का श्रृंगार होता है। और जब जिसको वो श्रृंगार करते हैं आप, वो कितना खुश हो जाते हैं, किसी को माताएं बैठी हैं, किसी के पतिदेव कोई आधे किलो सोने की चैन लाए और उनके गले में डाल दें तो कहेंगे मेरे पतिदेव परमेश्वर, पति परमेश्वर है। हमारे पति खाली पति नहीं रहता फिर, वो फिर क्या हो जाता है, पति परमेश्वर है। और यदि आधे किलो लोहे की चैन डाल दे ला करके तो फिर पति परमेश्वर नहीं रहना, फिर पता पता नहीं सदाई नु की हो गया, रहता ले आनी थी सोने की और ले आया लोहे की, और वजन तो उतना ही है, लोहे में भी उतना ही वजन है, सोने में भी उतना ही वजन है। जब सोने की चैन आधी किलो की पहनेगी तो दिखाएंगे देखो मेरे पति ने ला के दी है, क्योंकि वो ऑर्नामेंट है, वो श्रृंगार है, उससे प्रसन्नता आती है, उत्साह खुशी आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। तो जब आत्मा को अलंकृत करेंगे, जब आत्मा का श्रृंगार करेंगे तो आपको वास्तविक अनुभूति होती है। तभी तो बोलते हैं आदमी ध्यान में बैठता है और ध्यान यदि टिक जाएगा तो मजा आ गया, आनंद आ गया, कहां से आ गया, कहां था आनंद, इसलिए आ गया कि परमेश्वर का जो स्वरूप है वो क्या स्वरूप है, सच्चित आनंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, उसका क्या है स्वरूप, सच्चिदानंद, वो आनंद स्वरूप है। अब आग के पास में बैठेंगे तो कितनी ठंड लगेगी आपको, ठंड लगेगी नहीं लगेगी, आग के पास में बैठेंगे तो ठंड दूर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आग का स्वभाव ठंड को दूर करना है। भले ही आप आग को गालियां दे करके बैठेंगे फिर भी आपकी ठंड दूर करेगी, आग की निंदा, आप बोले कि आग नहीं है तो भी बैठेंगे तो भी आपकी ठंड दूर करेगी, आप उसको नकार सकते हैं, कहते नहीं नहीं कहाँ आग है, फिर बैठोगे तो भी आपकी ठंड दूर करेगी, क्योंकि उसका वैसा स्वभाव है, उसका करैक्टरिस्टिक ऐसा है, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है। परम पिता परमेश्वर के भी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कैसे हैं, आनंद स्वरूप। जब गायत्री मंत्र का जाप करते हैं ना तो क्या है, भू भुवः स्वः, भू का अर्थ है प्राण प्रदाता, गिवर ऑफ लाइफ, भुवः का अर्थ है रिमूवर ऑफ सॉरो पेन सॉरी स्टेट्स मिजरीज, उनको दूर करने वाला है, स्वभाव है उसका, उसके करैक्टरिस्टिक ऐसे हैं।
स्वाहा का अर्थ है सुख स्वरूप है। जैसे गुड़ के टुकड़े को कहीं से खाओ तो कैसा लगता है? मीठा। आगे से खाओ बर्फी को कहीं से खाओ, उसका स्वभाव है तो नहीं, कहीं से भी खाएंगे तो मीठा ही लगेगा। ऐसे परमेश्वर के जब हम पास जाते हैं, उपासना का अर्थ क्या है? बीइंग नियरर। उपासना का अर्थ है बीइंग नियरर, पास में आना, पास में। जिसके पास में जाओगे उसी के गुण पाओगे, जिसके पास में जाएंगे उसी के गुण पाएंगे, योगी के पास में जाएंगे तो योगी के गुण पाएंगे, भोगी के पास में जाएंगे भोगी के गुण पाएंगे, रोगी के पास में जाएंगे रोग की गल्ला सुनाएगा। हमें भी बोला आपकी आंखा पीली पीली हो रही है। अच्छा हाँ, शीशे में जाकर देखा है, लगता है मनु कुछ हो गया है, पीलिया हो गया, जंडिस हो गया। रोगी के पास में जाएंगे रोग की, और पिंड में ना दो तीन तरह की माइयाँ होती हैं, तो कोई तो कहेगी नहीं पुत्र तेरा कुछ नहीं है तो ठीक है, कुछ नहीं दो दिन में ठीक हो जाएगा। कोई कोई माई है तेनों की हो गया, लगता तेरा ब्लड घट गया, तेरी आँखा पीली होगी, ते वो फलाना वो मनजिंदर का मुंडे नू तीन दिन आँखा पीली रही, चौथे दिन मर गया, तेनों किन्ने दिन हो गए थे पे इन, वो बंदा ना भी मरे तो भी मर जाए। तो जिसके साथ में जैसा जैसे के पास में जाएंगे वैसे ही गुण पाएंगे। तो परम पिता परमेश्वर की उपासना करेंगे। सवाल ये है उपासना करें कैसे, पूछते हैं हमें पूछते हैं कि उपासना कैसे करें, हाउ टू डू उपासना, क्या उसका तरीका क्या है। अब ये समझने की बात है उपासना कैसे करें परमेश्वर की, आनंद कैसे आए। करते तो रोज है, संध्या करते हैं, पर आनंद तो नहीं आता, खाली हमारी फॉर्मेलिटी पूरी होती है, कर्म करना है क्रिया, आनंद तो नहीं आता पर कभी कभी आ भी जाता है। हर रोज क्यों नहीं आता? क्योंकि करने का तरीका जो है वो ठीक नहीं है, और जिस काम के करने का तरीका ठीक नहीं होता फिर उसका फल भी ठीक नहीं होता। आप गाड़ी ठीक से चलाएंगे तो कहां पहुंचेंगे? घर। और यदि गाड़ी चलाने का आपका तरीका ठीक नहीं है फिर कहां पहुंचेंगे? फिर एक तो होता है, एक तो होता है हमारा घर है ना, हम जाते हैं जा, और एक और होता है वो जो अंत में राम नाम सत्य है, एक घर वो भी है, क्योंकि हमारा गाड़ी चलाने का तरीका सही नहीं है। जिस काम के करने का तरीका सही नहीं है उसका फल कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, विपरीत फल मिलेगा। तो उपासना सही करेंगे तो सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, और यदि करने का तरीका सही नहीं होगा फिर दुख मिलेगा। 20 साल हो गए मनु गायत्री जाप भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, आज तक कुछ होया तो है नहीं, ये तो बहुत बड़ा दुख है, फ्रस्ट्रेशन है, विषाद से भर गया। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, ऐसा मैनी पीपल्स आई हैव कम अक्रॉस, सो मैनी पीपल्स सेइंग वी हैव बीन डूइंग फॉर 20 इयर्स नथिंग हैपेंड टिल नाउ। अरे ये तो फ्रस्ट्रेशन हो गई, ये तो बहुत बड़ा दुख है, जिसको सुख के जिसने सुख देना था, जिस कर्म ने सुख देना था उसे हम दुखी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि करने का तरीका ठीक नहीं है, सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है? अब एक ने पूछा, आपका भगवान तो दिखता नहीं है, हमारे तो मंदिरों में दिखते तो हैं कम से कम, मेरे से बोले
आप वाला तो दिखता ही नहीं है, ये हमारे तो सामने दिख रहे हैं, तो न दिखने वाले की कैसे करें। मैंने कहा उपासना तो न दिखने वाले की हो सकती है, तो कैसे? सुनो ध्यान से, आपको बड़ा आनंद आएगा और आप 10 घंटे, 12 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 1 घंटा जितना मर्जी उपासना में रहना चाहो रह सकते हैं। बहुत सबसे आसान काम क्या है आप बताओ, दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? यदि सबसे आसान काम क्या है, सबसे आसान काम है वो जिसे आप करना चाहते हैं, और सबसे मुश्किल काम है वो जिसे हम करना नहीं चाहते, वो सबसे मुश्किल काम है। तो यदि हम भगवान की उपासना करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और वो चाहत कैसी हो, कैसी होती है चाहत? जैसे आपने जब आप लोगों का जब विवाह हुआ था, और विवाह के समय वो आप लोगों ने एक दूसरे का वरण किया था, वरण करते समय जो एक दूसरे के प्रति चाहत थी, उतनी चाहत यदि परमेश्वर के प्रति आज हो जाए तो कुछ ना कुछ सफलता जरूर मिलेगी। कितनी चाहत? जितनी चाहत माता रुक्मिणी को योगेश्वर कृष्ण के प्रति थी। पता कितनी थी? उसका पता चला रुक्मिणी को कि तेरा विवाह तो शिशुपाल के साथ होने वाला है। हाँ, रुक्मिणी माता का विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला था। शिशुपाल को यही तो प्रॉब्लम थी, तो उसका तो भाई बनता हो, बुआ का लड़का था, तो रुक्मिणी से विवाह होना था शिशुपाल का, और रुक्मिणी ने चिट्ठी लिख करके कृष्ण जी को भेज दिया कि मैं तो तेरे से विवाह करना चाहती हूँ, आपको वर्ण कर लिया मैंने, वर के रूप में वर्ण कर लिया। तो श्री कृष्ण जी बोले तो तुम मेरी जिम्मेदारी है विवाह करना, तो रुक्मिणी से उन्होंने विवाह किया। होना था शिशुपाल से तय हो गया था, उसका पिता को मजबूर कर दिया था जरासंध ने, शिशुपाल सेनापति था, जरासंध गया तो जरासंध ने कहा मेरे सेनापति के साथ करो, रुक्मिणी का बाप था जो वो अधीन था जरासंध के पिता। तो माता रुक्मिणी ने कहा नहीं, मेरे को तो योगेश्वर कृष्ण जैसा वर चाहिए, तो देंगे लड़ाई करके लेंगे। रुक्मिणी के भाई को बहुत कोशिश की उसने लड़ने की, बहुत वार की, तलवार चलाई, हथियार लेके आया, कुछ नहीं। योगेश्वर कृष्ण के सामने ऐसे धनुर्धर, ऐसे वीर, ऐसे योद्धा, ऐसे योगी, ऐसे तपस्वी नीतिमान के साथ किसकी चलने दी? हमारी चाहत कितनी है? ईमानदारी से कभी कभी हम अपने को टटोल के देखें तो हम परमेश्वर को कौन सा टाइम देना चाहते हैं? जब हम जॉब से आ चुके हों, घर वाले पोतरे पोतरियां दोतरे दोतरियों से भी गप्पे लग चुके हों, टीवी वाले भी हाथ जोड़ करके जाने की तैयारी कर चुके हों कि बस करो जी सानू भी सोना है, साढ़े भी न्याणे हैं, तो फिर कहते हैं जी चलो फिर रब नू वेख लिए कि थे रहना है। मतलब क्या है? जब हमारे पास कोई काम नहीं है, या तो तब उसकी तरफ सोचें कि चलो दो मिनट बचे हैं संध्या के मंत्रों का पाठ करने, या फिर कोई मुसीबत पै जाए। जब मुसीबत पड़ जाती है ना, फिर सोचते हैं कि भगवान हमारे पीछे क्यों पड़े। क्यों पंजाब में क्यों होया? एक जट था ना, मज मर गई, दो तीन दिन बाद में उसका ढग्गा मर गया, 5-7 दिन बाद में कुत्ता रखा सी रात में चोरा लाई भोंकण वास्ते, कुत्ता भी मर गया। तो एक दिन जट आके बोलिया रब चश्मा ला के तू साडे मगर पै गया, पड़ोसियों को भी वेख ले किसी दिन, क्यों साडे मगर पै गया, तेनू और नहीं कोई दिसदा इत्थे, साडे ही मगर पै। तो या कभी कोई समस्या हो जाए तब हमें लगता है कि परमात्मा को देखें, या फिर कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए, कोई घटना घट जाए, जैसे महात्मा बुद्ध और ऋषि दयानंद के जीवन में घटी थी। मौत सबसे बड़ी समस्या क्या है?
सबसे बड़ी समस्या क्या है? मौत। सबसे बड़ा रोग क्या है जिसकी दवाई ना हो? दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है जिसकी दवाई ना हो? तो दवाई किसकी नहीं है? मौत। मौत की कोई दवाई नहीं है। जब वो सिकंदर मरा ना, बोला तीन काम करना भाई, क्या? एक तो जो धन ऐश्वर्य सिक्के सुक्के सब है ना, बिछा देना उस रास्ते पे जिस पे मेरी अर्थी लेके जाओ। अच्छा, दूसरा क्या है? मेरी अर्थी को जो वैद्य मेरे राज वैद्य मेरे साथ रहते थे ना, वो कंधा देवे ताकि लोग देख ले। जो ये कहते थे चिंता मत करो मैं बचा लूंगा, बचा नहीं पाए। और तीसरा काम एक और करना कि हाथ है ना थोड़ा बाहर कर देना, ताकि दुनिया वाले देख ले कि जिसके लिए लूट मार मचाई थी उसमें से कोई चीज साथ नहीं जा रही है। ये बात है, हम कौन सा समय परमेश्वर को देना चाहते हैं? क्या बचा पूछा? यदि बचा कुछ समय हमारे लिए उपासना के, हमारे पास उपासना के लिए, तो आनंद नहीं आएगा। क्यों? इट्स नॉट आवर सिलेक्टेड जॉब। फिर बचा कुछ टाइम है ना, वो हमारी सिलेक्टेड जॉब नहीं है, वो जस्ट टाइम पास जॉब है। कि ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए, थोड़ा सा उसको भी मना लेते हैं। हम प्रयास करके, पुरुषार्थ करके समय निकाले। कौन सा समय निकाले? गप्पों का, अनावश्यक मोबाइल फोन पे की जाने वाली बातों का। की बनाया गया आज राजमा बनाए, हम खुशबू आ रही है, स्मेल आ रही है फोन में से। अच्छा तो अरे राजमा बनाया, मैं बासमती चावल बना लेने, तो फिर शाम को इकट्ठे होके खाएंगे। ठीक है, खाओ, कोई बुराई नहीं है। अच्छे अच्छे पदार्थ हमारे लिए तो बनाए भगवान ने। सारा धन ऐश्वर्य संपत्ति सब संसार के भोग्य पदार्थ हमारे लिए, हम उनके लिए अपना जीवन का बड़ा अहम हिस्सा निकालते हैं। पर ध्यान रखो, सब कुछ करो संसार में दो बातों को ध्यान रखते हुए। एवरीथिंग इज फॉर यू बट नथिंग बिलोंग्स टू यू। Everything is for you। ये दो बातें समझ लो, फिर आपको उपासना के लिए समय निकालेंगे। जब आपको पता चलता है इवन दिस बॉडी टू, इट इज फॉर मी बट इट बिलोंग्स नॉट टू मी। ये मेरी नहीं है, मेरे लिए है। Everything, this highway, highway is for you, but belongs not to you. Airport is for you, belongs not to you. Your house is for you, belongs not to you. कोई देर नहीं लगती पट्टी सामने वाली बदलने में। पता नहीं कितनी पट्टियां बदली है, जमीन का 100 साल में मालिक चेंज हो जाता है। 100 साल बाद में इंतकाल नहीं रहता किसी के नाम। तो दो बातें समझने की हैं। अध्यात्म में दो शब्द हैं और वो यजुर्वेद का 40वां अध्याय, ईशोपनिषद का पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम् जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधौ कस्य सिद्धनम्। ये संसार तुम्हारे लिए है। संसार किसके लिए है? हमारे लिए है, पर हमारा नहीं है। है हमारे लिए, सारा अर्थ प्लैनेट हमारे लिए, ये सूर्य हमारे लिए, चांद हमारे लिए, धरती हमारे लिए, पेड़ पौधे फल फ्रूट ड्राई फ्रूट सब हमारे लिए।